हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, अभी अभी नोटिफिकेशन आया है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पे, यानी SSC CHSL और SSC JEE पे आया है। इम्पोर्टेंट नोटिस आया है, तो देखिए इम्पोर्टेंट नोटिस में क्या कहा गया है, आखिर क्यों कैंसिल किया गया है, तो आज उसके बारे में हम अभी अभी नोटिफिकेशन कुछ देर पहले आया है तो अभी उसके बारे में हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो देखिए नोटिफिकेशन में लिखा क्या है, पहले उसे पढ़ते हैं उसके बाद इसके बारे में जानकारी लेते हैं। कह रहा है कि एज ए प्रोसिक्यूटनरी मेजर इन द व्यू इमरजेंट सिचुएशन ड्यू टू COVID-19 हैज बीन डिसाइडेड बाई द कमीशन इन द लार्जर पब्लिक इंटरेस्टेड टू पोस्पोन द ongoing combined high secondary 10th plus 2 level exam tier 1 2019 with effect 20 तारीख तीसरा महीना 2020। यानी इसका कहने का मतलब है कि अभी 20 तारीख से जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, यानी 20 तारीख से जितने भी एग्ज़ाम होने वाले थे सबको कैंसिल कर दिया गया। यहाँ कोरोना वायरस के चलते कैंसिल किया गया, जैसे कि आप लोगों को सभी लोगों को मालूम है कि कोरोना वायरस के चलते स्कूल कॉलेज बंद कर दिया गया, परंतु एग्ज़ाम चल रहा था जिसके कारण ये एग्ज़ाम भी बंद कर दिया गया। तो अभी तक इसका कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आया कि इतने तारीख से होगा, यानी तीसरे महीने में रद्द कर दिया गया है, तो अगले कब से इस एग्ज़ाम होने वाला है इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो उसका भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, तो अगला नोटिफिकेशन भी आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी। जब तक फिर यहाँ दे रहा है सिमिलरली यानी जैसे कि ऊपर वाले के जैसे ही SSC JEE जूनियर इंजीनियर का यानी एग्ज़ाम चल रहा था, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड क्वान्टिटी सर्विंग यानी SSC JEE का भी पेपर वन रद्द कर दिया गया, यानी रद्द नहीं किया गया यानी कैंसिल कर दिया गया है। तो उसका भी अगला एग्ज़ाम नहीं होगा, तब तक अगले नोटिफिकेशन का आप लोग इंतज़ार करें। देखिए यहाँ पे अभिन अभिन का नोटिफिकेशन है, यहाँ पे अंडर सेक्रेटरी का भी साइन है, यहाँ HL प्रसाद का यहाँ पर देख ही लिए आप लोग। तो जितने लोग भी जैसे कि कुछ लोग तो घर से निकल ही गए होंगे, जैसे ट्रेन में होंगे, गाड़ी बस में, स्टेशन पे बैठे होंगे, कल एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो लोग कृपया घर चले जाएं, अगले नोटिफिकेशन का इंतज़ार करें और अगला डेट आएगा तो साथ साथ यहाँ आए